आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति के साथ विंबलडन फाइनल्स के दौरान स्पॉट किए गए। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई, ट्रेंड करने लगी, जिसके बाद राघव चड्ढा की इन तस्वीरों को लेकर दिल्ली में बवाल हो गया। आपको बता दें, राघव चड्ढा की तस्वीरों पर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने ट्वीट किया। हालांकि उस ट्वीट को उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया, लेकिन रागिनी नायक के उस ट्वीट को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कोट करते हुए रीट्वीट किया था और वो ट्वीट अभी भी है। सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि रागिनी नायक ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की विंबलडन फाइनल्स के दौरान की तस्वीरों को लेकर उन पर निशाना साधा, उनको क्या कहा। तो रागिनी नायक ने सोशल मीडिया पर राघव और परिणीति की फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 8-10 लाख की टिकट खरीद कर विंबलडन फाइनल देखता हुआ एक आम आदमी। जिसके बाद शहजाद ने रागिनी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, डरो मत, सिर्फ डिलीट करके भाग जाओ, बब्बर शेर कांग्रेसी। चुनाव खत्म तो रिश्ता हजम, यही हुआ है इंडी अलायंस के साथ दिल्ली में। जो इंडी अलायंस में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी एक साथ आए थे, अब दिल्ली में पंजाब की तरह तलाक 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 ऐसा हुआ है कि एक दूसरे को गालियां देने से उभर नहीं पा रहे। पहले कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी की वजह से हार गए, फिर अभिषेक दत्त ने कहा कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार की वजह से हार गए, और अब रागिनी नायक का जो राघव चड्ढा पर ट्वीट है कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को आम आदमी बताया वो 8-10 लाख रुपये की टिकट ले रहा है। वाह, इसी को कहते हैं फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स। इनके अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कॉमन कमीशन, ऑब्सेशन विद मोदी और इस प्रकार का डिसरप्शन करना। इसीलिए दिल्ली में तो तलाक 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 हो गया, एक दूसरे को अब गालियां दे रहे हैं, कभी पानी को लेकर, कभी व्यवस्थाओं को लेकर, कभी 8-10 लाख रुपए की टिकट को लेकर। और बंगाल में भी 3 तलाक हो चुका है कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का, केरल में भी लेफ्ट और कांग्रेस का तलाक हो चुका है, हर जगह इंडी अलायंस का यही हाल है। ये कोई मिशन विशन के साथ नहीं आए थे, केवल अपने कमीशन, करप्शन, एम्बिशन को साधने के लिए आए थे, और इसका प्रमाण एक और आज नजर आया। तो पहले रागिनी नायक राघव और परिणीति की फोटो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखती है कि 8-10 लाख रुपए खर्च कर विंबलडन फाइनल देखता हुआ एक आम आदमी। और उसके बाद फिर शहजाद पूनावाला, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद। शहजाद रागिनी के ट्वीट का फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं कि डरो मत, सिर्फ डिलीट करके भाग जाओ, बब्बर शेर कांग्रेसी। इतना ही नहीं, इन दोनों के बीच फिर ट्विटर वॉर शुरू हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों के बीच लगातार एक दूसरे के ट्वीट को कोट करते हुए एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। फिर रागिनी नायक ने शहजाद पर पलटवार किया, और शहजाद पर पलटवार करते हुए क्या कहा रागिनी ने वो भी देख लीजिए। रागिनी लिखती है शहजाद के ट्वीट को कोट करते हुए, नहीं नहीं, डरो और पार्टी छोड़ के भाग जाओ, भगोड़ा कहीं का, बेपैंदी का लोटा, बेचारा दल बदलू, प्रवचन देने से पहले अपने गिरिबान में झांक लो। तो रागिनी ने भी पलटवार किया, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है। पुराने एक दूसरे के जो बयान हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन ये मामला शुरू हुआ राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के विंबलडन फाइनल्स के दौरान जो उनके फोटो सामने आए थे उसको लेकर। आपको बता दें कि राघव चड्ढा सिर्फ विंबलडन देखने के लिए लंदन नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो वहां पर कैम्ब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल भी हुए थे, जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी से जुड़ी हुई बातें की, वहां पर उन्होंने फ्रीबीज को लेकर क्या सोच है उसको लेकर बातें की। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगातार राघव चड्ढा की तस्वीरों को लेकर जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, और रागिनी नायक के जिस ट्वीट पर इस वक्त शहजाद पूनावाला की तरफ से लगातार जो रीट्वीट किए जा रहे हैं, उसमें दोनों के बीच में जो एक तरीके से सोशल मीडिया वॉर चल रही है वो अभी भी जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरीके से राघव चड्ढा लंदन पहुँचे उसके बाद लगातार कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स जो हैं वो राघव चड्ढा के स्टैंड को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनकी तबीयत नासाज है, लगातार उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ भी हो सकता है, उनकी जान को खतरा है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि
राघव चड्ढा जो हैं वो तो घूमने में व्यस्त हैं, वो तो लंदन घूम रहे हैं, वो विंबलडन फाइनल्स देख रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।